नोएडा एक्सटेंशन के अंदर वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें अच्छे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की, रेडी टू मूव इन के अंदर, अच्छी लोकेलिटी के अंदर, और प्राइस की बात करें कंपेरेटिवली बढ़िया प्राइस दूसरे किसी प्रोजेक्ट से, तो उस तरीके से काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स आते हैं। आज हम बात करने वाले ऐसे एक प्रोजेक्ट की जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है। आज हम खड़े हैं सेक्टर एक नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, प्रोजेक्ट का नाम है स्टेलर बिल्डर, स्टेलर का जीवन, इसके बारे में आज हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन की, सबसे महत्वपूर्ण जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो आज हम खड़े सेक्टर एक के अंदर। सेक्टर एक कहाँ पे, अगर आप नोएडा से आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले गौर चौक पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ लोकेशन का। लेफ्ट में जाते हैं S24 की तरफ, वो सारा गौर चौक जो आ जाता है, गौर सिटी वन का एरिया आ जाता है। स्ट्रेट आप चले आते हैं सेक्टर 10-12 की तरफ चले आते हैं। अगर आप राइट लेते हैं जो रास्ता ग्रेटर नोएडा को भी जा रहा है, तो वहाँ पर पड़ता है सेक्टर एक। सेक्टर बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो डेंसिटी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सेक्टर एक के सामने आता है सेक्टर 2 और 3, जहाँ पर प्लॉट बने। तो प्लॉट बता ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी के बनते हैं, वहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी नहीं है, इस वजह से पूरा एरिया इन टोटैलिटी आपको लो डेंसिटी लगेगा। दूसरा, सेंट्रल नोएडा और FNG से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, NS24 से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, तो अगर आपको दिल्ली जाना तो वहाँ से होके आ सकते हैं। दूसरी बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। ओके, तो बात करते हैं पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट की, स्टेलर जीवन की। सबसे पहले बिल्डर की बात करते हैं, सेडी साहब है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने 14 से 15 अभी तक अगर टोटलिटी की बात करेंगे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करें, जिसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस सारा मिला के है। स्टेलर IT पार्क आपने देखा होगा 62 के अंदर है, स्टेलर का 135 भी है, ग्रेटर नोएडा में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है, सेक्टर 50 में भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। ये लिस्ट मैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पर डाल दूंगा ताकि आप आराम से देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा किस तरीके का बिल्डर ने बनाया, काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। आज हम इस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। रेजिडेंशियल में एक प्रोजेक्ट स्टेलर का और है, स्टेलर 1 के नाम से, सेक्टर 1 में ही आता है, जिसका फेस 1 जो है वो डिलीवर हो चुका है, और 2, 3 और 4 जो 4 फेसेस बचे हुए हैं उसमें डिलीवरी आने वाली, वो प्रोजेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है लोकेशन के हिसाब से, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी है उसकी। बात करें इस सोसाइटी की, तो एक मिड राइज सोसाइटी है, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी की, 18 एकड़ के अंदर आपके 18 ही टावर आते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पर एकड़ लगभग एक टावर आपका हो गया। टोटल यूनिट की बात करें तो 1800 के आसपास इसमें अपार्टमेंट हैं। सेंट्रल पार्क की बात करें, 4.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क है इसके अंदर। इसके अलावा आपका क्लब एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, और फिर 3 स्विमिंग पूल हैं इसके अंदर, मैन वुमेन के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग है। स्केटिंग है, काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया आपको देखने को मिलता है, इस वजह से आपको हर एक अपार्टमेंट में रोशनी और धूप इन सारी चीज़ों की कहीं से, या एयर ही अगर आप बात करें तो उन सारी चीज़ों की कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। लोकेशन तो पूरी लेवेबल है इसके अंदर, अगर हम बात करें ना स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल की, तो यथार्थ हॉस्पिटल है, अपने आप में लैंडमार्क है, बिल्कुल पास में यहाँ पे। स्कूल की बात करें, मिलेनियम स्कूल है, DPS है, ये सारे स्कूल भी आपको 4 से 5 किलोमीटर की जगह मिल जाते हैं। लोकेशन अच्छी, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो भी गया है, काफ़ी सारे लोग यहाँ रह भी रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। लोकल मार्केट गाँव की वो भी सारी भी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाती है। चलिए आपको एक साइज़ दिखा देता हूँ, 1441 स्क्वायर फिट के अंदर ये अपार्टमेंट बना हुआ है। इसकी खास बात बताऊँ, 3 कमरे हैं, और तीनों के साथ इसके अंदर आपको ये एक कमरा, इसके साथ देखोगे आपको एक बालकनी, और ये आपका अलमीरा का जो स्पेस होता है वो, और बाथरूम। तो 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट का 1441 के साइज़ का ये बना हुआ, ये आपका लिविंग कम डाइनिंग आ गया। चलते हैं इस पर आगे, फिर ये हमारा आ जाता है दूसरा कमरा, इसके साथ भी आप देखोगे आपको स्पेस मिल जाएगा, अलमीरा का, बालकनी, और आपका यहाँ पर टॉयलेट, फिर ये आपका यहाँ पर किचन हो जाता है इस तरह से। आगे चलते हैं, फिर आपका ये तीसरा रूम आ जाता है, इसको मास्टर रूम भी कह सकते हैं। इसके अंदर भी आप देखोगे वहाँ पे शाफ लगी हुई है रोशनी के लिए, ये आपका अलमीरा का स्पेस है, ये आपका बालकनी है, बालकनी से भी आपको शानदार व्यू दिखाता हूँ। ये आपका हो गया बाथरूम, और ये आपका एक यूटिलिटी, आप इसको पूजा रूम समझ लीजिए, आप इसको स्टोर रूम समझ लीजिए, जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए आप कर सकते हैं। और ये जो आपकी बालकनी है ना, यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर शानदार व्यू है, धूप भी आ रही है, तकरीबन 4 बजे हुए हैं, और ये पूरा जो ओपन एरिया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले बात करते हैं प्राइस के लिए, जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा इंतजार करते हैं। कई लोग डायरेक्टली प्राइस वाले उस पर डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, भाई पूरा वीडियो देख लिया करो, तभी तो आपको आइडिया होगा ना प्राइस का क्या होता है। ऐसे तो डायरेक्ट कहीं से भी आप प्राइस उठा के देख सकते हैं, प्राइस तो सब समझ में आएगा जब वैल्यू बिल्डिंग होगी कि चीज़ अच्छी है या नहीं अच्छी है। प्राइस की बात करूँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ साइजेस कौन कौन से हैं। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK का अपार्टमेंट मिलते हैं। 1 BHK भी इस सोसाइटी के अंदर मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। 1 BHK की अगर बात करें तो 685 स्क्वायर फीट के अंदर आता है, प्राइस 30 से 32 लाख के आसपास उसका तकरीबन
मकान आता है, 1027 स्क्वायर फीट आता है 2BHK, वो 45 से 48 लाख रुपए के आसपास। फिर आता है 1193 स्क्वायर फीट का साइज़, वो आता है 58 to 62 लाख के आसपास। 1441 का 3BHK, वो आता है 78 to 82 लाख रुपीज़ के आसपास। फिर आता है 1694 इट इज़ अ 3BHK प्लस सर्वेंट, ये आता है तकरीबन 90 से 95 लाख के आसपास। फिर आता है आपका 2258 स्क्वायर फीट, इट इज़ अ 4BHK प्लस सर्वेंट, अच्छा है, बिकने वाला साइज़ है, इसके टावर्स अलग हैं। 1 करोड़ 15 लाख रुपए से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास आता है। प्राइसिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आप मुझे फ़ोन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सेलर को कई बार ऐसा लगता है कि प्राइस हम कम बता रहे, बायर को लगता है ज़्यादा बता रहे। तो अगर आपकी कोई यूनिट आप बेचना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो प्राइस के लिए आप हमें पर्टिकुलरली फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको और भी ज़्यादा प्रिसाइजली प्राइस बता देंगे। प्रोज एंड कॉन्स की, क्या अच्छा और क्या बुरा। देखो, दो चीज़ें जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, एक तो ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी बताया ना, मिड राइज, ये कहीं और देखने को नहीं मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इसके अंदर मैंने बताया जितना ओपननेस है ना, वो कहीं देखने को नहीं मिलता, तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट। दूसरी, अगर बात करें नेगेटिविटी की भी, तो देखो 2016 में इसका पोजीशन मिलना शुरू हो गया था, लोग आके रहना शुरू हो गए थे, तो 16 से आज 23 हो गया, थोड़ा सा ओल्ड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है और माइवन पे नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस मेंटेनेंस बहुत शानदार है। किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको देखना हो ना, बनके तो तैयार हो गया, कैसा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा आपको मेंटेनेंस जरूर देखना है। मेंटेनेंस इसका बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है, 2 बार इसको कंसर्न अथॉरिटी द्वारा अवार्ड भी किया गया है। तो अगर आप एंड यूज़र हैं तो आँख बंद करके इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको प्राइस में इन्वेस्ट करने की सहूलियत मिल जाती है, क्योंकि देखो रेजिडेंशियल के अंदर उतना ज़्यादा रेंटल या रिटर्न्स उस हिसाब से नहीं आते हैं। टुडे आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है ना, क्योंकि कई सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, तो मैं कंसर्न पर्सन का नंबर डाल दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, जैसे आपको प्राइस से रिलेटेड पूछना है या यूनिट बेचनी या खरीदनी, जो भी करना है, आपको नंबर डाल दूंगा, आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यार मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कुछ कमेंट में सजेशन देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।